हो गया। आए व्यूअर्स, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने लगवाई है ये इंस्टेंट टूटी गीजर। ये देखें जनाब कैसा पानी आ रहा है। ओए ओए ओए, हाँ जी अकरम हो गया। अच्छा ये पिछला सारा उतार के इसको भी ऊपर करना पड़ा है क्योंकि ब्लैक बॉडी थी। अब मसला ये है कि इसको किधर लगाया जाए इस तरह से कि लंबी तार ना हो, तो इसको किधर लगाओगे? इसको इधर ऊपर लगाएंगे। ऊपर कहाँ? वहाँ उसकी उसके साथ से कनेक्शन दिया जाएगा यहाँ पे। चलो ये कैबिनेट के साथ। तो आपके ख्याल में इसका कितना बिजली का खर्चा होगा? बिजली का खर्चा बिल्कुल कम है। कम है? बहुत कम है। कितने वोट है जरा देखना, डब्बा लेके आओ। 300 वोट। 300 वोट पर डब्बे के लिखा है जी जी। दिखाना जरा। ये देखो 300। 300 वोट मतलब ये तो हुआ एक पंखे जितना जी। पंखा भी मतलब कितना? पंखा तो चलता रहता, तो ये तो 2 मिनट चलेगा बंद हो जाएगा, 5 मिनट चलेगा फिर बंद कर देंगे इसको। तो मेरे ख्याल में बिजली का की तो बचत है इसमें, बहुत ज्यादा बचत है, है ना? बड़े गीजरों से बहुत ज्यादा बचत। चलो बस जल्दी जल्दी लगाओ, मैंने सारी आवाम को रिव्यू देना है यार, बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, सर्दी आ गई है सख्त वाली। मैं बड़ा परेशान था कि इसकी तार कहाँ दी जाएगी, तार का कनेक्शन कहाँ दिया जाएगा। तार इतनी बुरी भी लग सकती है ऐसे बाहर बाहर से जाती हुई लंबी चौड़ी सी तार, पता नहीं किधर उसका रूट बनेगा। तो ये एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन जो है मेरा, इसकी मैंने पहले भी अपने चैनल पर वीडियोस डाली हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जरूर देख लीजिएगा। ये शीशे वाली लाइट लगी हुई थी जी जी, जो हमने खत्म करके। अच्छा, ये जो ऊपर लाइट थी ये शीशे के लिए होती है। ये शीशे के लिए थी सफेद लाइट ये, क्योंकि मैंने तो ये ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ, ये देखें आप, ये वाला यूज करता हूँ मैं। इसको खत्म करके तो यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट बनाया जाएगा जी जी। लेकिन ये तार क्या ऐसे बाहर बाहर से ऊपर ऊपर से नहीं जाएगी, बुरी नहीं लगेगी? कैसे आप करोगे मैनेज? साइड से क्लिप लगा। अच्छा, साइड से लेके जाओगे? ये कॉर्नर से आएगी नीचे। व्यूअर्स बस देखते जाएं कि क्या हम सेटिंग करते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, इधर पहले होल्डर था और अभी इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसके ऊपर टिक्की लगाऊंगा या होल्डर लगाऊंगा ताकि ये जगह भी नीट लगे। और फिर यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये पिन्स के साथ नीचे आ रहा है और अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। काम हो गया। आए व्यूअर्स, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने लगवाई है ये इंस्टेंट टूटी गीजर। ये देखें जनाब कैसा पानी आ रहा है। ओए ओए ओए, अच्छा नीचे टेम्परेचर भी डिस्प्ले हो रही है, 32 डिग्रीज आ रहा है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्सीलेंट टेम्परेचर है, मतलब मैंने इसका एक रिव्यू ये सुना था कि इतना गर्म पानी आता कि हाथ नहीं लगता और उसमें ठंडा मिक्स करना पड़ता, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो ऐसा पानी है जैसा मुझे चाहिए होता है एग्जैक्टली। अच्छा तार आप देखिए कहाँ से जा रही है, यहाँ से ऊपर, ये भी हमें ऊपर करना पड़ा है क्योंकि ये नलका इसका ऊंचा था। यहाँ से ये तार जा रही है, ये देखिए मैं आपको आराम आराम से दिखाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ आए। और ये यहाँ से ऊपर कनेक्ट हो गई है इसके साथ। यहाँ पर एक मैंने नया बल्ब लगाना है तो वो बल्ब जलेगा और उसके साथ ये कनेक्शन इस इंस्टेंट टूटी गीजर को भी दे दिया है। अभी इसको मैंने चलाया हुआ है गर्म पे, अगर मैं इसको ठंडा करना चाहूँ, अब ठंडा है, अब ये ठंडा आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें कोल्ड लिखा हुआ आएगा साथ में, जब ठंडा होगा तो कोल्ड होगा। यहाँ पर ड्रिलिंग करके ऊपर किया, थोड़ी सी जगह गंदी हो रही है, मैं इसको साफ करूंगा। अब ये कोल्ड आ रहा है और अब टक होने के बाद अब ये गर्म आ रहा है। अब ये देखें मैंने फुल ऊपर किया तो वो मतलब आप इसके जो लेवल ऑफ हीट है इसको आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ठंडे से गर्म हो रहा है तो इसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा, क्योंकि ठंडे से एकदम से वो गर्म पर नहीं गया, वो पहले 30 हुआ फिर 32 33, बिकॉज अभी मैंने इसको फुल हीट पे किया हुआ है। इसको मैं अगर थोड़ा सा यूं करूं तो मुझे 34 डिग्री तक जा रहा है टेम्परेचर, अभी ये बहुत गर्म हो गया। काम करें। ओए होए होए, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये किस हद तक जा सकता है, क्योंकि हो क्या रहा है जितना आप नीचे इसको करते जाएंगे कम पानी आएगा, ज्यादा इफेक्टिवली कॉइल्स उसको गर्म करेंगी तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा पानी का। पानी आपका कम आएगा लेकिन बहुत गर्म आएगा जितना आप इसको कम खोलेंगे। तो अगर आप बेस्ट यूज चाहते हैं तो आप इसको पूरा खोलें, ताकि पानी का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कॉइल्स इतने ज्यादा पानी को इकट्ठे गर्म नहीं कर सकेंगी, तो रीजनेबली गर्म पानी होगा, बहुत ज्यादा ऐसे जलाता हुआ गर्म नहीं होगा और आपको अच्छी मिकदार में पानी भी मिलेगा। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप फुल खोलें। 37 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला गया, अब तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया बिकॉज मैंने इसको फुल खोल दिया, तो अब वो नीचे की तरफ आएगा।
तो अगर ये चलता रहे तो मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त चीज है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में आया है, और मैं तो आपको इसके रिव्यूज देता ही रहूंगा। आपको पता है कि वक्तन फवक्तन मैं जब एक चीज को शुरू करता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं हूँ, आपको इसके रिव्यूज मिलते ही रहेंगे, तो आपको बताऊंगा कि ये कितने अरसा चला, कैसा चला। अच्छा अकरम ये बताएं कि अब मैंने इसको बंद करना है तो बस इसको मैं सेंटर में कर दूं, तो क्या मुझे यहाँ से भी कुछ ऑफ करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं जरूरत, एहतियातन कर दें, अलग बात है। मतलब मैं इसको उतार दूं वहां से? ना, अच्छा बटन ऑफ कर, नहीं उतारना। ओके, उसको नहीं उतारना, ये वाला बटन ऑफ करना है। तो ये बटन ना भी ऑफ करूं तो अभी वो बिजली तो अभी नहीं ले रहा ना? कुछ भी नहीं, बिजली वो तभी लेगा जब मैं उसको ऑन करूंगा, जब ऑन करोगे इस्तेमाल होगा तभी वो इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी ये जो शावर का सेटअप है ये पिछले गीजर के ऊपर ही है, और जो इंस्टेंट टूटी गीजर है वो मैंने, मतलब ये सिंक एरिया है इसका, मैंने ये वाला सिस्टम लगवा लिया। मैं उसको भी डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि ऑनेस्टली मैं खुद इसको फर्स्ट टाइम लगवा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये कितना लंबा लास्ट करेगा, तो एटलीस्ट मेरे पास एक एज अ सेफ्टी मैयर वो शावर वाला सिस्टम होना चाहिए जो गीजर के साथ कनेक्टेड है। आज तो मैंने लगाया, मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन ये अब आपको रेगुलर इसको रिव्यूज देते रहना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा ये कितना अरसा चलता है। गर्मा गर्म पानी, गर्मा गर्म पानी। जी अब्बा जी, क्या आपको टेम्परेचर लग रहा है इसका? यार क्या कहना चाहूंगा मैं तो, हाँ अभी जी अब्बा जी, क्या आपको टेम्परेचर लग रहा है इसका? ठंडा है, हाँ जी अबू जी, ये गर्म है, गर्म आया और भी गर्म हो जाता है, अभी गर्म है ना, ये सुपर गर्म हो जाएगा आप इसको इतना करें, और पानी की भी बचत है, पता है पानी बहुत कम ये निकल रहा है। आप इसको डब्बे में भरे ना, वो कोई एक मिनट लगता है डब्बा, इतना से डब्बू भरने में, और सही है, इस्तेमाल काबिल है, इतना ज्यादा गर्म हो तो फिर बंदा नहीं यूज कर सकता, और देखने में भी प्यारा है। ये देखिए ये टेम्परेचर, पानी वेस्ट भी नहीं होता, कम कम निकलता है पानी, अब गर्म ज्यादा, जाहिर अभी आपने इसको नीचे किया है ना, अब तो इतना गर्म होगा कि हाथ नहीं लगेगा, तो इसको आप इधर रखें यहाँ पे, वाले कलर पे आए। इसमें सेल कौन से यूज होते हैं, बिजली वाले? कोई सेल नहीं है, ये तार है डायरेक्ट। अच्छा हाँ, तार है, ये तो सही चीज है। मैं तो कहता हूँ अगर ये चलता रहे जैसी कोई चीज नहीं है। तार, हाँ जी अकरम, ये तार लेके आया था, ये अच्छी है, सुनिए ये ऊपर इसने, इसके इधर भी मैंने बल्ब लगा है, इसके साथ उसने कनेक्शन दे दिए और नीचे से ये निकल रहा है। क्या कर रहे बल्ब आज है फुल। जी तो व्यूअर्स, आपको मैंने ये इंस्टेंट टूटी गीजर लगाने का तरीका भी बता दिया, लगाकर दिखा भी दिया, इंस्टेंट रिव्यू भी आपको दिया है, अब्बा जी का तबसरा भी आपको सुना दिया। अब एक मेरे ख्याल में वीडियो बनती है जिसमें मैं इंस्टेंट गैस वाले गीजर और इंस्टेंट टूटी गीजर का मवाजना करूं, सारे प्लस और माइनसेस बताऊं, और बिल के हवाले से खास तौर पे बात करूं कि कितना फर्क पड़ता है इससे। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो बनाओ तो नीचे कमेंट कीजिए अभी के बिलाल भाई मुफसल रिव्यू वीडियो जरूर बनाए, तब मैं वो बना दूंगा। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो नीचे लाइक जरूर करें और माशाल्लाह का कमेंट जरूर कर दीजिए, और देखते रहिए बिलाल जफर शो, ये भी जरूर लिखिएगा कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है, और वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये तो ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले बिजनेस करो भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिना बिलाल चौक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं जितना ज़्यादा आपके लिए क्वालिटी कॉन्टेंट बना सकूँ बनाऊँ, लेकिन मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ इसलिए वीडियोज़ डेली बेसिस पर नहीं चढ़ा पा रहा, लेकिन बहरहाल जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है जो भी अच्छा कॉन्टेंट, क्योंकि मैं टोटल भी पूरा करने की कोशिश नहीं करता, कुछ क्वालिटी का होता है तब आपको मैं दिखाता हूँ, तो इस वजह से थोड़ी तखीर हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप
उस चीज को लेकर चलेंगे। आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बिलाल जफर शो, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।